And subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. A certain number of metallic cones, each of radius 2 cm and height 3 cm, are melted and recast into a solid sphere of radius 6 cm. Find the number of cones. तो तुरंत हम लोग लिखेंगे भाई जो भी certain number बोल रहे हैं या number of cones बोल रहे हैं उसको हम लोग n मान लेते हैं. Let the number of cones be n. Therefore, n multiplied by ये जो cone है अपना will give you a big sphere. है ना, ऐसी कुछ बात हो रही है. और हर कोन का रेडियस स्मॉल r आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, हर कोन की हाइट h आपको दी है 3 सेंटीमीटर, है ना. ऐसा तो हमारा कोन है एंड इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. तो यहां पे जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर हो रहा है. इसको कैपिटल r मान लिया क्योंकि ये बड़ा है. अब आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर h. वॉल्यूम बैलेंसिंग करना है एज ऑलवेज. ऐसे काफी सवाल हम लोग पहले प्लेलिस्ट में कर भी चुके हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन है 4/3 पाई कैपिटल r क्यूब. पाई पाई कैंसल, 3 कैंसल. तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, n मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r कितना है 2 का होल स्क्वायर, h कितना है 3, और 4 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल r कितना है 6 का क्यूब. तो बड़ा आसान है इन कैलकुलेट करना. अब इस पॉइंट से 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 इंटू 2 हो गया 4 और 3 और 2 जा 6. तो अब 36 इंटू 2 एन हमारा आ गया कितना, 72. एन इज इक्वल टू 72. 72 है क्या बच्चों, 72 इज द नंबर ऑफ कोन्स. एन इज द नंबर ऑफ कोन्स. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर.